पिछले 10 महीने से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं प्रशासक के नाते, और हमारी सौभाग्य है देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 जुलाई से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 34 साल के बाद लागू किया। और अभी जो 5 मित्र विद्यार्थी मित्र अपने अनुभव कह रहे थे, मैं अनुभव को दोहराना नहीं चाहूंगा। अब सभी के पास यू ऑल आर रिपोजिटरी ऑफ योर एक्सपीरियंस, अनुभव की आउटकम जो इग्नो पिछले 1985 से लेके आज तक करते आ रहा है, और आप जिसकी आप स्टेक होल्डर हो, जिसकी आप बेनिफिशियरी हो, इसी को एक पैन इंडिया लेवल पे तथाकथित बड़े यूनिवर्सिटी, नामी दामी यूनिवर्सिटियों को वही तो कहा गया है, इसी के नाम है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। आपकी इच्छा से पढ़ोगे, काम करते हुए पढ़ोगे, पढ़ाई के लिए कमाई को बंद करना इससे संभव ही नहीं है। ग्रेजुएशन होते होते बहुत सारे यूजी को आज यहां गोल्ड मेडल मिला। यूजी अपने काम शुरू कर दिए, क्यों काम शुरू कर दिए? निम्न मध्यवित परिवार के लोग हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन घर की आवश्यकता इतनी है, मां बीमार है, पिताजी कितने को पढ़ाएंगे, बड़ी बहन की शादी भी है, जो सामने नौकरी मिलता है उसको कर ले, पढ़ाई को बाद में देखेंगे। ये सारे की रास्ता इग्नो ने दिया। ये सारा विषय इस बार प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पार्ट कर दिया है। तो इग्नो ने, और इग्नो के आज मैं विशेष करके टीचिंग फैकल्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपने पिछले 35 साल में, 34 साल पहले नया पिछला शिक्षा नीति आई थी, और 35 साल तक आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस बार आपके एक्सपेरिमेंट बेकार नहीं गया है। नाउ दिस इज ए नेशनल सक्सेस स्टोरी एंड नाउ दिस इज द पॉलिसी, यही यूनिवर्सिटियों के काम होनी चाहिए। आपको अनेक अनेक बधाई। मित्रों, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की पहला शर्त क्या है? ये छोटे छोटे पाश्चात्य की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आबादी नहीं है, आबादी क्लाइमेट की दृष्टि से बहुत ही चुनौती वाला है, आधे दिन सूरज नहीं आता है, आधे दिन ठंड होता है, घर से नहीं निकाला जाता है, लेकिन दुनिया की निज टेक्नोलॉजी उन्हीं के हाथ में है। या नहीं तो संपूर्ण देश जो है, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी है, उनकी पॉकेट साइज के कारण उनके पास टेक्नोलॉजी है। भारत के पास सब चीज रहते हुए भी जो आर्किटेक्ट पिछले हम 75 साल में बनाए, कॉलोनियल पीरियड में जो आर्किटेक्ट बना सो बना, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसके हम 75 साल अभी मनाने वाले हैं, मना ही रहे हैं, उस समय में हमने उस आर्किटेक्ट को निर्भर किया जिन्होंने हमारी नौजवान को, विशेष करके हुनर रखने वाले नौजवानों को, जो इनोवेटिव नौजवान, उनकी ग्रोथ को, विशेष करके इकोनॉमिक स्ट्राटा के नीचे वाले लोगों को हमने हाथ बांध दिया, उनको रेस्ट्रिक्ट किया, उनको शर्त रखा, आप इकट्ठा नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे, आप फार्मेसी पढ़ोगे तो आप लाइब्रेरी साइंस नहीं जा सकते हो। अभी मैंने छोटे से एक्सपोजर में मेरे को यह अनुभव आया। अभी यूजीसी को इस बार हमने परामर्श दिया कि आप एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पीएचडी को प्री कंडीशन मत करो। हमें बहुत अच्छा लगा, यहां कम से कम एक साइजेबल नंबर की टीचिंग फैकल्टी है जिन्होंने इन सर्विस पीएचडी करने का मौका मिला, आप सभी को बधाई। क्या मैं सोच पाता हूं कैसे सोशल एगोनी क्या होता होगा, आप जानते हुए भी आपने पीएचडी नहीं किया, इसलिए आपको 7th पे कमीशन से आप डिबार होते होंगे, आपके इंक्रीमेंट बंद किया कर दिया गया होगा, सोशल स्टेटस में फर्क आता होगा, ये पीएचडी नहीं किया है। ये सारे के समाधान इस प्रकार की नया मेथोडोलॉजी पर मिलती है। मित्रों, आने वाले दिनों में भारत को अगर एक इकोनॉमिक सुपर पावर करनी है, तब
हमारी एजुकेशन की पैटर्न का एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हमें कोई एक किसी से सीखने की आवश्यकता है। दुनिया में जिनके पास, साइंटिफिक वर्ल्ड में जिनके पास जो अच्छा चीज है उसको सीखने की, उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इंडियन सिविलाइजेशन से हजारों साल से है, और हम दुनिया को अच्छे मॉडल्स देने की हमारी बुनियाद है। लेकिन हम चीजों को एक निर्दिष्ट दृष्टि से नहीं दिखनी चाहिए। इसीलिए जब मेरे को और एक अच्छा चीज लगा, जब आप लोग आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में गाते गाते आपने कहा जन जन की विश्वविद्यालय, ये सही है, आप सार्थक हो जन जन की विश्वविद्यालय जब आप खुद को कहते हो। आज शायद मेरे को प्रोफेसर राव कह रहे थे कि मैं, हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। आप मैंने पूछा चाइना का क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि चाइना का कोई हिसाब नहीं, सच में चाइना को कोई नहीं जानता है। अभी आज अखबारों में आइए, शंघाई में बहुत दिक्कत है। हम किसी के दुख में संवेदना दिखानी चाहिए, हमें भी चिंता है। ह्यूमैनिटी रिस्क में जब रहता है, और पिछले लगभग दो साल से, अब जस्ट इमेजिन करो, आज हम अप्रैल में हैं, 2020 अप्रैल से 2022 अप्रैल हो गया, पूरा 24 महीना एक न्यू ऑर्डर आ गया है दुनिया में, इकोनॉमी में, सोशल लाइफ में, एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सारे जिंदगी के सारे आयामों में, पेमेंट्स में। कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ चैलेंजिंग चीज हुए हैं। ये सारे की रास्ता हमको यूनिवर्सिटी से निकालनी है, एजुकेशन सिस्टम से निकालनी है। इसलिए आज की भारत सरकार कुछ विषयों पर जोर देती है। मैं जब आपकी कन्वर्सेशन में आया हूं, मैं आपको कहूं कि हम इग्नो को कैसे आने वाले दिनों में देखते हैं। इस बार हमने एक साउथ अमेरिका की देश के साथ, गायना के साथ ओवरसीज टाइप किया। मित्रों, हमारी देश में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। काली में एक असेसमेंट कर रहा था, हमारी देश में आज के दिनों में विदेश विभाग के पास जो सूचना है 15-20 हजार स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं। कभी एक जमाना था, बहुत पुरानी नहीं है, जब कॉलोनियल रूल था तब, उसके बाद भी और अभी भी, भारत की टीचर, अभी भी एक बहन आई है ओमान से, वहां टीचर है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता होगा, ओमानी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता होगा। इंग्लिश भारत की फोटे है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सब भारतीय नौजवानों की विशेषज्ञता की विषय है। पूरा अफ्रीका में, मैं खूब अफ्रीका के देशों में घुमा हूं पिछले पेट्रोलियम की दायित्व में, मैं कहीं भी देखा कम्युनिटी में, और वहां की नेबर्स, मैंने वहां की लोकल कम्युनिटी में भी भारतीय टीचर्स की आदर है। हमारी देश से पढ़ा हुआ विद्यार्थियों की संख्या हुआ है इन दिनों में, वो थोड़ा घटी है। अभी कोविड ने एक विंडो दिया है डिस्टेंस लर्निंग की, डिजिटल एजुकेशन की, ई लर्निंग की, आपने भी उसमें से अच्छा किया है। आपकी एनरोलमेंट, आपने जब 13 लाख कहा इन्हीं दिनों में कहा, व्यक्ति जब पुश टू द वॉल होता है तब इनोवेटर बन जाता है। अभी कोरोना ने हम सभी को कैसे नए प्रकार से पढ़ें, इसकी एक कंपल्सन हम लोगों के सामने खड़ा किया। इसीलिए आज दुनिया में ई लर्निंग की एक अभिनव तरीके आ गए हैं। हमें इग्नो को यूज करते हुए दुनिया की वंचित वर्गों को, शायद अफ्रीका की लोग डिस्टेंस लर्निंग में भी यूरोप की या अमेरिका की या जापान जैसे हाई एंड इकोनॉमी की यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई को अफोर्ड ना कर सकते हैं, हम उसकी उत्तर बने। अगर हम अपने मेथड में, अपनी पेडागोजी में उनको पढ़ाएंगे, आप उसकी समझो हमारी, उसकी इंपैक्ट क्या आएगा। अनजाने में आप भारत वहां पहुंचाने वाले हो। इग्नो भारत को दुनिया की हरेक गरीब लोगों तक पहुंचा सकता है,
अंडर प्रिविलेज तक पहुंचा सकता है जिसको जरूरत भी है, उसकी छोटी सी हैंड होल्डिंग, इजी वे ऑफ हैंड होल्डिंग, सेंसिटिव वे ऑफ टीचिंग, यह शायद उसकी जिंदगी में काफी परिवर्तन ला सकता है, उसकी अर्थनीति में, उसकी एम्पावरमेंट में, उसकी अपवर्ड जर्निंग में। यह हम एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में ना केवल ओवरसीज एजुकेशन के लिए, देश के अंदर आप जानते हैं देश के अंदर गैप एरिया क्या है। मैं इन दिनों में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को पलट के देख रहा था, यूनिवर्सिटी में यूजुअली यूजी में 18 साल प्लस के बच्चे आते हैं, और आपने तुम तो डिप्लोमा कोर्स भी दे रहे हो, यानी आप सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, 12th के बाद आप एंट्री दे सकते हो, यूजी में हो या डिप्लोमा कोर्स के लिए हो। आज हमारे देश में 15 से अगर 25 साल, क्योंकि हमारे देश में 14 साल तक चाइल्ड लेबर हम मानते हैं, 15 साल के बाद वो इकोनॉमिक यूनिट बन जाता है,